अस्सलाम वालेकुम। हमने कहा आपको भी थोड़ा सा बता दें कि अचानक बैठे बैठे प्लान बन गया, आगे तीन छुट्टियां आ गई, तो हमने कहा ज़रा मरी का मज़ा ले लें जाके। तो फिर हमने फैमिली पूरी को तैयार किया, बच्चा पार्टी सबको तैयार किया, हमने फौरन और मिनट से पहले हमने कहा पैकिंग करें, कटिंग कराई, शेव करवाई, अपनी अपनी बेगमात को कहा कि तैयारी पकड़ ले, अब मोड़ने लगे हैं। तो ये देखिए अब हम यहाँ से टोल प्लाजे से क्रॉस करेंगे और माशाल्लाह 2400 रुपया है इसके अंदर, ठीक है। अब ये देखिए अब हम चल पड़े हैं, तो बाकी सफ़र हम आपको साथ साथ बताते जाएंगे। कि मैंने कहा आपको अब अंदर से भी थोड़ा सा व्यू दिखा दें, लोड शेडिंग हुई हुई है, थोड़ी सी लाइट हल्की है, ठीक है। तो हम चल रहे हैं, तो जैसे जैसे पहला स्टॉप हमारा होगा भेरे में, तो अभी हम 2:38 पे मोटरवे से हमने एंट्री की है, तो अब आपको बताते हैं भेरा कितनी देर तक पहुंचते हैं। एक ये है हम और एक गाड़ी हमारी आगे जा रही है, तो हम दोनों साथ साथ जा रहे हैं, तो फिर आपसे बात करते हैं। हाँ बच्चे सुना, तो नहीं सुनाना कुछ, चलो ठीक हो गया। अभी हम सुखी जी के पास पहुंचे हैं, तो तेज़ बारिश शुरू हो गई है। पीछे लाहौर में तो कोई ऐसा सीन नहीं था, यहाँ पहुँचे हैं तो यहाँ देखिए कितनी तेज़ बारिश शुरू हो गई है। देखते हैं अब आगे क्या हिसाब है, मौसम तो यही बता रहा है कि आगे सारी बारिश है। चले अब आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं, आगे देख रहे हैं कितनी तेज़ आवाज़ आ रही है। ले जी अब हम पहुँच गए हैं भेरा पे। हमने कहा यहाँ से बच्चों को भी कुछ खिलाएं और ख़ुद भी कुछ खाएं, भूख लगी हुई थी। अब यहाँ हम देखते हैं कि क्या खाने वाला है। देखते हैं जी, हार्डीज है और ब्रांड्स तो है यहाँ पे। अब देखते हैं अब क्या खाते हैं यहाँ से, तो फिर आपको भी बताते हैं, क्योंकि रास्ते में बारिश भी बहुत थी। तो आहिस्ता आहिस्ता ये देखिए कितना रश लगा, जैसे कोई बाजार यहाँ पे लगा हुआ। चेक करें जी, चेक करें, वो देखें, आपको ऐसे लगेगा जैसे सारे इस्लामाबाद मरी नरान कहान। वो देखिए अभी मैं आपको दिखाता हूँ, आगे कोस्टर्स भी दिखाता हूँ। ये देखिए कैसे तैयार हुई हुई है, ये बस लोरी है ना, बस कहते हैं कि तीन छुट्टियाँ हमें मिले तो हम घरों से बाहर निकल जाएं। ये देखिए इनमें हम भी शामिल हैं, लेकिन चलो हमारी तो मजबूरी है, हमने वापस जाना है यूके, तो इसलिए निकले हैं। ये देखिए सामने आपके चार कोस्टर हैं, एक मोड़ ही है। ये सारे देखिए अब यहाँ पे ट्रैफिक थोड़ी सी जाम हुई हुई है इनकी वजह से। चलें अब आपको बताते हैं किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, फिर वहाँ पे खाना खाते टाइम आपसे बात करते हैं। देखिए यहाँ भी कोस्टर्स खड़ी हैं, ये देखिए तीन कोस्टर यहाँ खड़े और यहाँ लाइन में गाड़ियाँ लगी हैं। मुझे लगता है पाकिस्तान आज आज़ाद हो गया, ये सारे आज़ाद हो गए, आज निकल गए घर से। ये देखिए यहाँ गाड़ी भी हमें खड़ी करने की जगह नहीं है, कि अब हम एक राउंड लेके आएंगे ऊपर से, फिर देखते हैं गाड़ी कहाँ खड़ी करते हैं। ये देखें जी जब बच्चे थक जाएं तो फिर इनका यही हाल होता है। ये देखें दोनों जी दोनों सीटों पे सोए हुए हैं। ये देखें जी अभी हम पहुंच गए हैं बेरे पे, तो अब यहाँ से डिसाइड करते हैं क्या खाना क्या नहीं खाना। कुछ कह रहे हैं शनवारी से खाना है, कुछ कहते हैं जी बर्गर खाने हैं। अब देखते हैं कि ड्रॉ किसके नाम निकलता है। तू इधर आ, तू बता तूने क्या खाना है। जो आपने क्या खाना है? यार मैं तो कुछ भी खा लेता हूँ, धक्का भी खा लेता हूँ। तो तूने अब क्या खाना? मैं बर्गर खाऊंगा। बर्गर शक्ल देखिए, बर्गर देखिए ना, बर्गर का ना। चलो अभी देखते हैं क्या खाते हैं। कौन से वॉशरूम में गया था, क्या सिचुएशन थी वहाँ पे? सिचुएशन क्या थी वहाँ पे? बड़ी नाजुक है। तेरी नहीं पूछी, वॉशरूम की पूछी है। वॉशरूम की थोड़ी बहुत ही है। ठीक थी तो फिर मेरा नाक ही बंद है। अच्छा यानी कि तुझे नहीं आई थी? नहीं जी। हमारा ये खाना आ गया, अब ये हमारा पता नहीं कि डिनर है या ब्रेकफास्ट है, जो भी है अब हम इसको खाने लगे हैं। खाने तो कम लगे, हमला ज़्यादा करने लगे हैं। ये देखिए क्योंकि पहले हमने इनसे एक और चीज़ मांगी थी कढ़ाई भी, तो कढ़ाई इनके पास दूसरी नहीं थी। फिर माशाल्लाह कलर तो अच्छा है, आप देखिए इसकी
जायका इसका कैसा होगा। ये देखें जी इन्होंने क्या हाल किया कढ़ाई का, ये तो ख़त्म हो चुकी हुई है। जो सबसे तमीज़ से खाया मैंने खाया ये। साल तूने कैसे खाया? ये मामू ने जाया करवाया मेरे साथ। पा दे मामे दे। लास्ट में आपने ज्यादा डलवा के लिया था मुझे। ठीक कह रहा है, सर्कल बनाया। ओके सर्कल बनाओ। ये जी नाश्ता और डिनर इकट्ठा ही कर लिया, अब निकल पड़े हैं दोबारा ये देरे से। तो अब अपने सफ़र का आगाज कर रहे हैं। तो अब मेरा ख्याल है 1.5 आवर लगेगा सलामत पहुँचते, फिर वहाँ से डायरेक्ट मरी चले। फिर अब आपसे सलामत पहुँच के बात होती है। ले जी अब हम कलर कहार की हाइट पे स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ से हाइट स्टार्ट हो रही है। तो थोड़ा थोड़ा आपको दिखाते रहेंगे साथ साथ, क्योंकि ये थोड़ी सी आप कह लें डेंजर है, लेकिन इतनी भी नहीं है। तो यहाँ पे चाचू भी खड़े होते हैं कैमरा लेके, वो चलान कर देते हैं। तो अब आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से क्रॉस करते हैं, तो आपको दिखाते हैं थोड़ा थोड़ा। जानवर जा रहे हैं गाड़ी के अंदर, इन्होंने पैर बाहर निकाले हुए हैं, बिगड़े घर के बिगड़े बच्चे। चेक करें गाड़ी का नंबर भी देखिए इसका। जी ये अब हम पहुँच चुके हैं पिंडी से, थोड़ा सा पीछे चक्री क्रॉस किया अभी। तो यहाँ पे फिर तेज़ बारिश शुरू हो गई है। बस ये कुदरत का निज़ाम है, कहीं बारिश है कहीं नहीं है। जी हम पहुँच गए हैं, डंडा भी उठ गया और अब हम सीधा जा रहे हैं माशाल्लाह से। ये देखा ये होता प्रोटोकॉल। वो देखे दूसरी गाड़ी पीछे वो खड़ी है, पैसे देंगे फिर वो बेचारे आएंगे, ये होती है पावर। जान साहब ये बहुत गलत बात है, आप बैठे हुए हो देखे माशाल्लाह। अभी हम इस्लामाबाद पहुंचे, तो ये कैसा आपको व्यू लग रहा है? फुल बादल नीचे इस टाइम आए हुए हैं। मैं थोड़ा सा आगे जाके फिर आपको दिखाता हूँ। देखिए अब आपको थोड़ा ये आप क्लियर नज़र आ रहा होगा, चेक करें जरा क्या वेदर। ओह वेदर नहीं व्यू है, सॉरी चेक करें। वाह ये भी इस्लामाबाद का हाल है। तो अभी देखते हैं मरी की तरफ जाते हैं, वहाँ भी कोई ना कोई व्यू मिलेंगे फिर। ले जी अब मरी की तरफ गामजन है। अब मरी का थोड़ा सा ही मेरे ख्याल से 40 किलोमीटर्स का है पैच, तो इसको अब करेंगे। अब स्लो स्लो जाएंगे, देखते देखते कोई अच्छा व्यू आ गया तो वहाँ रुक लेंगे, नहीं तो फिर चलते 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 जाएंगे। तो बाकी ये भी एक ब्रिज बन रहा था 12 कोह पे, तो आई डोंट नो कि वो अब किधर से आ रहा है, ब्रिज का क्या रास्ता है। तो कोई नई चीज़ बना रहे हैं, देखते हैं अगले 2-4 महीनों में क्या बनता है। देखिए अभी बाइक्स आ गई हैं, ये भी टूर पे निकले हुए हैं सारे। ये देखिए ये पूरा पैक होके निकले हो जा रहे हैं। हमने एक स्पॉट ढूंढ लिया था, हमने कहा चले यहाँ पे थोड़ी सी पिक्चर्स बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। देखिए आप मेरे पीछे, तो अभी थोड़ी सी यहाँ पे तस्वीरें बनाएंगे, चिल मस्ती करेंगे, फिर इसके बाद आगे अगली मंजिल की तरफ चलेंगे। हम रफ्ता रफ्ता उठ गए अपने 4 घंटे की नींद पूरी करके। अब यहाँ बाकी तो हो रहे हैं तैयार, हम अब अपने बिस्तर को छोड़ के हम भी थोड़े से फ्रेश हो जाएंगे। तो फ्रेश हो के तो फिर आपसे गुफ्तगू शनीद करते हैं और आपको दिखाते हैं कि अब हम, वैसे मेरा ख्याल अब हम नथिया गली की तरफ जा रहे हैं, तो वहाँ जाके या रास्ते में आपसे कहीं पे बातें शातें करते हैं, आपको बताते हैं। तो मौसम बड़ा अच्छा है, अभी मैं आपको मौसम का भी व्यू दिखाता हूँ।
इस टाइम बादल फुल नीचे आ गए हैं हमारे पास, हमें सलाम करने आ गए हैं। तो अब हम इनसे सलाम दुआ करके तो फिर आपसे बात करते हैं। ये देख रहे हैं आप, कुछ नजर नहीं आ रहा जी। अभी हम घर से निकल पड़े हैं, मौसम आज बड़ा अच्छा था, तो अब हम जा रहे हैं नथिया गली की तरफ, वहाँ पे रात का डिनर करेंगे और वहाँ देखते हैं। एज टू कंपेयर मरी से नथिया गली का जो होता है ना वेदर, वो ज़रा ज़्यादा होता है। तो अब देखते हैं कि हमारी किस्मत में आज कैसा वेदर है वहाँ पे। तो फिर अब नथिया गली पहुँच के आपसे गुफ्तगुशनीद करते हैं। मरी में आए और मंकी ना देखे, ये कैसे हो सकता है। वो देखे कितने मजे से खा रहा है। म्याऊ। एक वो बैठा होगा, ये खा क्या रहा है? ये अमरूद खा रहा है मेरे ख्याल से। मंकी, अरे मंकी, अरे मंकी, मंकी। वैसे इसका कलर बहुत प्यारा है, इस कलर के बाल हो। हमने कहा चले अब भूख बड़ी लग गई है, बट कढ़ाई मिली है यहाँ पे, वो भी देसी वाली बट कढ़ाई, तो यहाँ बैठ के अब खाना खाते हैं नथिया गली में। क्या क्या लेना है आपने? और फ्रेंच फ्राइज लेने? अच्छा, मूसा ने कॉफी पीनी है? कौन सी वाली कॉफी? ब्लैक कॉफी, मिल्क कॉफी, मिल्क फ्रेश दूध की, फ्रेश दूध की के डब्बे के दूध की, फ्रेश दूध की के डब्बे के दूध की, डब्बे के दूध की, ऑलपर की के मिल्क पैक की, मिक्स मिक्स लेनी है, मिक्स नहीं मिलती। ये खाना आ गया, देसी बट कढ़ाई का, ये कबाब है, ये अचारी हंडी है, ये बेचारी हंडी है, एग फ्राइड राइस आ रहे हैं, तो वो भी फिर आपको दिखाते हैं। तो हम जरा इन पे हमला कर दें, खाना खुना खा लें, फिर आपसे बात करते हैं जी। नथिया गली में बहुत ट्रैफिक है, अब आहिस्ता 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 चलते 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 जा रहे हैं। तो देखिए अब कब तक पहुंचते हैं हम मरी जी। पीछे ले ले है। क्या हुआ? पीछे ले ले है। वो सामने पिक्चर ले रहे हैं, वो देखो। बारिश शुरू हो गई है, फुल तेज बारिश, फुल तेज, डम डमा डम, बहुत अच्छा मौसम हो गया।